अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 9। मैं आपकी सिंधी की टीचर मैम आलिया। वीक 4 के डे 2 में आपको खुशामदीद। वीक 4 के डे 1 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5, सबक नंबर 5 की रीडिंग करवाई थी हाफ। आज मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है इत्तेहाद तंजीम ऐ यकीन महकम। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलें और दूसरे पैराग्राफ की आखिरी तीसरी लाइन, कौम जे इन फर्श शनास रहबर इन्हीं हकीकत के सही तौर सुन्याणे हो तो जिस ताई असा पाकिस्तानी रंग नसल जबान रस्म ए रिवाज जवेचा विसारे एक पाकिस्तानी कौम ना थींदासी। सफ़ा नंबर 16 खोलें। थींदासी तेस ताईं असांजो प्यारो वतन सारा जोगी तरक्की करे ना सघंदो। तरक्की हासिल करण लाइ हमेशा अमल जी ज़रूरत हूंदी आहे, पर सही अमल तॾहिं थींदो जॾहिं क़ौम में मुकमल इतिहाद हूंदो। हर कंहिं क़ौमी अमल या इरादे जी पुराई लाइ रथाबंदी ऐं तंज़ीम जी ज़रूरत हूंदी आहे। क़ौमनि जी तरक़ी ऐं बहितरी लाइ इतिहाद खां पोइ तंज़ीम जी ज़रूरत हूंदी आहे। फ़ौज जो ई खणी मिसाल वठो। फ़र्ज़ु करियो त कंहिं फ़ौज में इतिहाद ऐं इतफ़ाक़ आहे, ताक़त आहे, जंगी साज़ सामान बि घणो आहे, पर जेकॾहिं इन फ़ौज में तंज़ीम न आहे त उहा जंग जे मैदान में कामयाबी जे बजाए शिकस्त जो मुंहुं ॾिसंदी। इसका तर्जुमा सुने कि क़ौम के इस फ़र्ज़ शनास रहबर यानी कौम के इस फ़र्ज़ को पहचानने वाले हमारे रहनुमा यानी कायदे आज़म ने इस हकीकत को सही तौर पर पहचाना है कि जब तक हम पाकिस्तानी रंग नस्ल ज़बान रस्म और रवाज के फ़र्क को भूल कर वेछा यानी फ़र्क विसार में भूल कर एक पाकिस्तानी कौम नहीं होंगे, तब तक हमारे प्यारे वतन की खातिर ख्वाह तरक्की नहीं कर सकेगा। तरक्की हासिल करने के लिए हमेशा अमल की ज़रूरत होती है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो वो काम कोई भी पूरा नहीं होगा। अमल करने को कहते हैं, अमल की ज़रूरत होती है, लेकिन सही अमल तब होगा जब कौम में मुकम्मल इत्तेहाद होगा। यानी सही काम जब भी होगा कि कौम में आपस में इत्तफाक़ होगा और हर किसी कौमी अमल या इरादे की तकमील के लिए यानी उस काम को मुकम्मल करने के लिए मंसूबा बंदी और नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होगी। अब आगे पढ़ें। कॉमन यानी कौमों की तरक्की और बेहतरी के लिए इत्तेहाद के बाद नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है। जो भी मुल्क या कौमों की तरक्की होती है उसकी जो बेहतरी होती है उसके लिए आपस में इत्तफाक का होना ज़रूरी है, और उसके बाद जो होना चाहिए वो है नज़्म व ज़ब्त। इसके बाद नज़्म व ज़ब्त की भी ज़रूरत होती है। फ़ौज की ही आप मिसाल ले लें। फ़र्ज़ करें कि किसी फ़ौज में इत्तेहाद और इत्तफाक है, ये खूबी उसमें मौजूद है, ताकत भी है, जंगी सामान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस फ़ौज में अगर नज़्म व ज़ब्त नहीं है तो वो जंग के मैदान में कामयाबी के बजाय शिकस्त का सामना करेगी, यानी कि वो हार जाएगी। शिकस्त में हारना, शिकस्त का उसको सामना करना पड़ेगा। अब आगे रीडिंग करें। कॉमन जी तरक्की ऐं सरबुलंदी लाइ इरादे जी पुख़्तगी यानी यकीन महकम जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। जेसि ताईं कंहिं क़ौम खे पंहिंजे अमल ते मुकमल यकीन ऐं उन जी सदाकत ऐं मुकमल भरोसो न आहे, तेसि ताईं उहा क़ौम इतिहाद ऐं तंज़ीम जी ख़ूबी हूंदे बि हिन दुनिया में को नुमायो कम ॾेखारे न सघंदी। दुनिया जूं ही अज़ीम शान इमारतूं, बाग ऐं बाग़ीचा, सुहिणियूं बाज़ारियूं, अनोखियूं मशीनियूं ऐं ॿियूं साइंसी ईजादूं जे असां लाइ ऐश ऐं आराम जो सामान मुहैया कनि थियूं, से सभु इंसान पंहिंजे मुसलसल अमल ऐं मुस्तक़िल इरादे यानी अमल पहम ऐं यकीन महकम सां
वजूद में आंदियूं आहिन। कौमों की तरक्की और भलाई के लिए इत्तेहाद के बाद आपने पढ़ा कि तंजीम की ज़रूरत होती है, तो इसके बाद ये कौमों की तरक्की और सरबुलंदी के लिए इरादे की मजबूती यानी यकीन महकम की भी ज़रूरत होती है। जब तक किसी कौम को अपने अमल पर मुकम्मल यकीन और उसकी सदाकत यानी सच्चाई में पूरा भरोसा नहीं है, तब तक उस वक्त वो कौम इत्तेहाद और तंजीम की खूबी होते हुए भी इस दुनिया में कोई नुमाया काम कर ना सकेगी, करके ना दिखा सकेगी। दुनिया की ये अजीम निशान इमारतें यानी बड़ी बड़ी इमारतें, बाग और खूबसूरत बागीचे, खूबसूरत बाज़ार, अजीब व गरीब मशीनें और दूसरी साइंसी इजादातें जो भी हमारे लिए ऐश व आराम का सामान मुहैया करती हैं, ये सब इंसान ने अपने मुसलसल अमल यानी मुसलसल उन्हें काम और मुस्तकिल इरादे यानी अमल पहन यानी लगातार मुसलसल करते रहना और यकीन मोहकम से वजूद मिलाई। यकीन मोहकम यानी अपनी इरादे को मजबूत बना कर किया है। अब आगे आप पढ़ेंगे, दुनिया जा नामवार अगवान ऐं सिपा सालार जिन पंहिंजे कौमन खे इज़त ऐं अज़मत जो मक़ाम ॾेखारियो आहे, से सभई मुस्तक़िल इरादे ऐं यकीन मोहकम वारा हुआ। उन्हनि अज़ीम इंसाननि पंहिंजी पुख़्ती यकीन ऐं लाॻीती कोशिश सां कौमनि में इतिहाद आणे, खेनि तंज़ीम जी क़ुवत सां ताक़तवर करे दुनिया में सरख़रू ऐं सरफराज़ बणायो आहे। तुर्की जे अज़ीम रहनुमा गाज़ी कमाल अतातुर्क ऐं नंढे खंड पाक हिंद जे मुसलमान रहनुमा क़ाइद अज़म जा मिसाल असांजे अखीअ आॾो आहिनि, त कीअं न इन्हनि अॻवाननि इरादे जी क़ुवत ऐं पुख़्तगी यकीन सां पंहिंजे क़ौमनि खे आज़ादी जी सआदत सां हमकिनार कयो। अब इसके मैंने ये दुनिया के नामवार यानी मशहूर रहनुमा और सिपा सालार जिन्होंने अपनी कौमों को इज़्ज़त और अज़मत का मकाम दिखाया है, वो सब मुस्तकिल इरादे और यकीन मोहकम वाले थे यानी उनके इरादे मजबूत थे। उन अजीम इंसानों ने अपने इरादे की पुख्तगी और मुसलसल कोशिशों से कौमों में इत्तेहाद पैदा करके उन्हें तंजीम की क़ुव्वत से ताकतवर बनाकर दुनिया में सरखरू और सरफराज बना दिया है यानी बुलंद कर दिया है। तुर्की के अजीम रहनुमा गाज़ी कमाल अतातुर्क और बड़े सकी पाक हिंद के मुसलमान रहनुमा क़ाइद अज़म मिसालें हमारी आंखों के सामने कि कैसे और किस तरह इन रहनुमाओं ने इरादे की क़ुव्वत और इरादे की मजबूती से अपनी कौमों को आज़ादी की सआदत से हमकिनार किया है। 9th क्लास आपका होमवर्क ये है कि इसका ये खुलासा लिखना है आपने, और मज़मून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है ये लिखना है, और इसके सवाल जवाब याद करने इस चैप्टर के। ओके, अल्लाह हाफिज़।